हेलो हेलो, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ अजीत और तुम लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अजीत। और भाई लोग, आज है हमारा 365 डे चैलेंज का डे 105। भाई लोग, आज मैं पूरा ब्लैक एंड ब्लैक ड्रेस पहन के रेडी हो गया हूँ। ये देखो, ये ब्लैक शर्ट, ये है ब्लैक जीन्स, ये है ब्लैक वॉच। और भाई लोग, मैं पूरा ब्लैक में एकदम तब्दील हो गया हूँ। और तुम लोग को ये मेरा ब्लैक ड्रेस का कॉम्बिनेशन ड्रेस कैसा लग रहा है? और भाई लोग, मैं जब भी ब्लैक ड्रेस पहनता हूँ ना, एकदम लगता हूँ स्मार्ट एंड एकदम हीरो टाइप का। देख लो, तुम खुद देखो ना, लग रहा हो कि नहीं? देखो कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। मेरे को ब्लैक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भले तुमको चाहे जैसा लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई साहब। और भाई लोग, अभी टाइम हो रहा है, ये देखो तुम लोग घड़ी में 9:10। देखो 9:10 हो गए हैं, और मतलब मेरे कुछ खाने का टाइम हो गया है। और मैं नाशन कुछ आज एकदम अजीब चीज़ बनाया है। ये देखो, ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये है क्या भाई साहब, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब जा रहा हूँ खाने, और खाऊंगा तभी पता चलेगा। बोलो, ये चीज़ मैं पहली बार खाने जा रहा हूँ, देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। अब मैं इसको खाता हूँ। मीठा है, अब मुझे समझ आया। ये है चुकंदर का हलवा, बहुत टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। को जल्दी जल्दी से खा लेता हूँ यहाँ बैठ के। अब बाद में खाऊंगा, मन नहीं कर रहा खाने का। अब मैं इसको लंच में ले जाऊंगा, ऑफिस में खाऊंगा। बेबी गर्ल। अब भाई लोग, आज तुम लोग को बाहर का मौसम दिखाता हूँ। अब भाई लोग, आज तुम लोग को मैं बाहर का मौसम दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम। ये ये बाहर का नज़ारा, कि हवा चल रहा है, ये तुम लोग देख सकते हो, पेड़ पौधे को अच्छी तरीके से हिल रहा है। और भाई लोग, मौसम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। और मन कर रहा है मैं गाना गाऊँ, तो मैं तुम लोग को एक गाना सुना ही देता हूँ। इस अच्छे मौसम में कौन सा गाना गाना चाहिए? अंदर चले जाता है, यहाँ पास ट्रक का आवाज़ बहुत आता है। जस्ट लुकिंग यहाँ पास, कौन सा गाना गाऊँगा? तो भाई लोग, एक गाना मुझको याद आ गया है, और ये गाना उनके लिए है जो किसी लड़की को देख के उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। तो सुनो, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल क्या है ये मामला, जानू ना मैं जानू ना। ओ दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल तुम्हारे लोग, इस गाने का मतलब तुम लोगों को पता है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। इस गाने का ये मतलब है कि अगर तुम किसी लड़की देख रहे हो और तुम्हारा दिल उसके ऊपर आ रहा है या तो जा रहा है, तो उसको रोको, कंट्रोल करो। इसका गाने का ये मतलब कि दिल संभल जा, यहीं रुक जा रहे तो
फिर से मोहब्बत करेगा फिर से रुलाएगा, बहुत कुछ दिक्कतें हो गए। तो प्यार मोहब्बत से दूर भागो, अपना खाना पीना खाओ, ऐश करो, और भाई लोग अपना काम धाम में फोकस करो। और मैं चल रहा हूँ खाना खाने, मेरा खाना खाने का टाइम हो गया, मुझे भूख भी बहुत तेज़ी से लग रहा है, तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। और भाई लोग आज मेरा खाना बना हुआ है, आलू की भुजिया सब्जी और रोटी, ये देखो। तो भाई लोग मैं मिलता हूँ खाना खाने के बाद। और भाई लोग खाना पीना खा के मैं हो गया एकदम से रेडी, और मैं चल रहा हूँ ऑफिस, तो चलो चलते हैं। और भाई लोग उससे पहले थोड़ा सा लुक आया, एक बार फिर से तुम लोग देख लो, ये देखो। और ये देखो मैं वाइट शूज पहना हूँ, वाइट शूज, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, लुक थोड़ा सा आज एकदम से यूनिक लग रहा है, तो भैया मुझे देखेंगे क्या बोलेंगे, शादी में जा रहे, शादी में हो गया शायद, सब यही सोचे या तो बोले भी, क्योंकि मुझको इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो मन करता मेरा वही पहनता हूँ, वो तो चलते हैं। और भाई लोग मैं पहुंच गया ऑफिस, और मेरा ऑफिस जो है खुल गया है, ये देखो, ये है मशीन रूम, और इस तरफ है सिस्टम रूम, यहाँ पर पूरा डिजाइनिंग वगैरह होता है, यहाँ पर पूरा डिजाइनिंग होता है। ये भैया सिस्टम है, ये भैया सिस्टम है, ये सिस्टम मेरा है, ये मेरा प्यारा ऑफिस प्रिंटिंग प्रेस का। ये देखो ये पार्क में जा रहा है, पार्क में जा रहा है, ये पूरा नैनी सरगम, और बेसमेंट में आएंगे तो ये हमारा आसो डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस। बोलो मैं यहीं पास जॉब कर रहा हूँ, जॉब का एक तरह मेरे लिए कोर्स है, मैं यहाँ पास कोर्स कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ मशीन और डिजाइन करना सीख रहा हूँ, टाइपिंग सीख रहा हूँ, कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ। घर बैठे से अच्छा है तो यहाँ, घर बैठने से अच्छा है कि यहाँ पास आके कुछ मैं सीख रहा हूँ कर रहा हूँ, और पढ़ाई लिखाई करने का मन तो करता है नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ डेली, और अपना काम धाम कर रहा हूँ, कुछ तो थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाता है, और उससे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मतलब थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, जो पैसा काम रहता है वो निकल जाता है यहाँ से, और दिन भर थोड़ा अच्छे से रह पाता हूँ गर्मी में, गर्मी के टाइम में, क्योंकि यहाँ पास लगा हुआ एसी, ये देखो ये है एसी, और इस तरफ लगा हुआ पंखा, और ये रूम जो है बेसमेंट में है, तो इसकी वजह से यहाँ पास गर्मी उतना ज़्यादा नहीं लगता है, तो एक तरह से देखा जाए बहुत ही सुकून है, ये काम बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए। फ़िलहाल एक नए दिन तो छोड़ के जाना पड़ेगा, तो बहुत याद आएगा इसका, और यहाँ पास अच्छा लग रहा है काम करने में, बहुत ही मन लग रहा है काम करने में, मैं डेली टाइम पर यहाँ पास पहुँच जाता हूँ, एक भी दिन मैं छुट्टी नहीं मारता हूँ, बस संडे को जब छुट्टी रहता है तभी घर में रहता हूँ, नहीं बाकी दिन तो मैं डेली ऑफिस में आ ही जाता हूँ अपना काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पास काम करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है भाई साहब। और यहाँ पास सिस्टम है तो सिस्टम पर काम करने में और अच्छा लगता है। और ये देखो इस तरह शादी कार्ड वगैरह रखा हुआ है, जैसे कुछ शादी कार्ड वाले आते हैं तो यहीं से ले जाते हैं, अपना छपाई वपाई करते हैं बस, तो बस यही सब है मेरा प्रिंटिंग प्रेस का।